बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका भाई शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। मेरे YouTube फैमिली और Facebook फैमिली, जितनी भी फैमिलीज मेरे साथ कनेक्ट हैं, वो उनके लिए उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए दुआ करें। मैं इस टाइम मरी में फंसा हूँ। मैं दो दिन हो चुके हैं, मेरे पास दो दिन हो गए हैं मुझे, और यहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी जाम है, स्नोफॉल भी हो रही है, और काफ़ी ज़्यादा -4 पे टेम्परेचर जा चुका है, और इंटरनेट तो बिल्कुल नहीं है। ये भी अभी छोटी सी वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये थोड़ी सी अपडेट देने के लिए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुआ कीजिएगा खैर खैरियत से हम घर पहुँच जाएँ। और यहाँ पे अभी -4 पे टेम्परेचर है और बहुत सी गाड़ियाँ बिल्कुल जाम हो चुकी हैं। ये मेरी जुगनी है, इस जुगनी की कंडीशन देख लें। छत के ऊपर बर्फ़ थी, बर्फ़ तकरीबन एक दो फुट थी बर्फ़, वो मैंने हटा के नीचे फेंकी, और अभी ये फ्रंट पे आई हुई है शीशे पे। और ये देखें, और इस साइड पे ये सारी जितनी भी गाड़ियाँ हैं सारी ये बंद हो चुकी हैं। और यही देखें, ये चेक करें, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। ये चेक करें, अभी इसके ऊपर बर्फ़ चेक करें, कितनी ज़्यादा बर्फ़ है। ये चेक करें, कुछ ऐसी भी गाड़ियाँ जो पता नहीं चल रहा कि वो इतनी बर्फ़ से ऊपर ढक चुकी हैं, पता नहीं चल रहा कि ये गाड़ियाँ हैं या बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ हैं। ये आप चेक करें, और ये यहाँ पे ये देखें, सारी गाड़ियाँ इस टाइम कोई भी नहीं है बंदा, सिर्फ एक दो बंदे बैठे हुए हैं गाड़ियों के अंदर सेफ्टी के लिए। जो यहाँ पे फैमिलीज़ हैं गाड़ियों में, आर्मी वाले आ चुके थे यहाँ पे, और वो फैमिलीज़ को लेके चले गए। कुछ बच्चों की भी डेथ हो चुकी है, और सर्दी से काफ़ी बुरा हाल है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, और दरख्त भी काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जाम हो चुकी है। और खाने पीने की भी शाह भी बिल्कुल कमी है, और होटल तो मेरे ही नहीं है। ये चेक करें, अभी ये कई डब्बे है, और ये चेक करें कितनी इसके ऊपर बर्फ़ आ चुकी है, और वो मेरे सामने ये ऊपर दरख्त गिरा हुआ है। भाईजन पेट्रोल है? जी जी पेट्रोल, ये अभी भाई पेट्रोल लेके जा रहे हैं, पेट्रोल के भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो चुका है पेट्रोल भी। और ये चेक करें, अल्लाह माफ़ करे, और ये बहुत ज़्यादा बर्फ़ हुआ है। इसके लिए गाड़ी से बाहर है तो हालत बर्फ़ बन जाते हैं। ये देखें, अभी मेरे हाथ जो हैं वो रेड हो चुके हैं बर्फ़ की वजह से, बिल्कुल काम करना छोड़ देते हैं। तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा, और नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, और जो अभी आना चाहते हैं और जो आ रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो अभी ना आए, यहाँ की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, और उनसे एक दफ़ा फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो यहाँ पर ना आए अभी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा 5-5, 6-6 फुट स्नोफॉल हो चुकी है, और अभी भी होनी है नहीं। और मैक्सिमम हमें थोड़ी बहुत ही जो इन्फॉर्मेशन ली है, और वो हमें यही कह रहे हैं कि कम से कम भी दो दिन और लगेंगे कि स्नोफॉल रोड क्लियर करते करते।